सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ BGMI। और गाइज, आज की ये वाली वीडियो नए अपडेट पे होने वाली है कि भाई जो BGMI का नया वाला अपडेट आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं। और गाइज, आई नो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि भाई कुछ ही वक्त में BGMI के सर्वर्स वगैरह ऑन हो जाएंगे और आप फिर से उसे पहले की तरह प्ले कर सकते हो। सो गाइज, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कितने बजे सर्वर्स ओपन होंगे और क्या कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो भाई वीडियो पैंड तक बने रहना। और हाँ गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना। सो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग सर्वर ओपन टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं कि कब तक सर्वर्स ओपन हो सकते हैं और क्या चांसेस है कि कितने बजे से सर्वर्स ओपन होंगे और कब से आप BGMI प्ले कर सकते हो। सो गाइज, देख लो, मैं आपको एक ऑप्शंस दे दे रहा हूँ, जैसे कि 12 बजे, 7:30 बजे, 5:30 बजे, इन तीनों में से किस टाइम पे ओपन होंगे आप ज़रूर से मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि कितने बजे ओपन होंगे। मेरे को देखो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि या तो 5:30 बजे ओपन होंगे या फिर 7:30 बजे, क्योंकि 5:30 बजे पबजी के सर्वर्स रिफ्रेश होते थे और 7:30 बजे अपना RP वगैरह आता था, अब जैसा कि आपको याद होगा पहले के टाइम पे। सो गाइज, बस कुछ घंटों की बात और है, उसके बाद तो भाई भाई फुल तबाही होने वाली है, फुल तबाही। और गाइज, मेरे को जरूर से बताने कि कौन कौन नए सीजन में रैंक पुश करने वाला है और भाई साथ में कौन कर करेंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कौन कर करने का इस सीजन, तो भाई कमेंट कर करके बता दो कि कौन कौन इस सीजन कौन कर करने वाला है। सो गाइज, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि BGMI आने के बाद उसके अंदर आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो गाइज, सबसे पहले तो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन चेंज हो जाएगी, जैसा कि अभी मैं आपको लॉबी में दिखा देता हूँ। आप जब गन सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे अभी मैं आपको एक SMG होल्ड करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट तरीके से खड़ा हो रहा है यहाँ पे, और इसकी स्टैंडिंग पोजीशन चेंज है। तो फर्स्ट फीचर तो ये हो गया, मतलब ये डिफरेंट है कुछ। सेकंड फीचर आपको ये नई देखने को मिलेगी कि भाई जब आप अपने इमोट वाले सेक्शन पे जाओगे, मतलब जब आप अपने टीममेट्स के साथ खड़े होगे, तो भाई सेम इमोट सारे बंदे सेम टाइम पे कर सकते हैं। यहाँ पे फॉलो बटन आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइज, ये सारी चीज़ें भी KRN ग्लोबल वर्जन पे पहले से अपने BGMI पे भी आने वाली है। अभी तो मैं टीम पे नहीं हूँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट जैसे आप टीम पे जब खड़े होगे ना, तो यहाँ पे टिक लगाने के बाद आप लोग सारे बंदे जो भी आपके टीममेट्स वगैरह होंगे सबको सेम इमोट सेम टाइम पे कर सकते हैं एक साथ। और ये वाला फीचर मेरे को काफ़ी सही लगा, मतलब कि पहले अब आपको अपने टीममेट्स को बोलना पड़ता था कि साथ में इमोट करो, वीडियो वगैरह कुछ रिकॉर्ड करनी है, तो अब आप डायरेक्टली कर सकते हो इससे। इसी के साथ साथ आपको एक और न्यू मैप देखने को मिल जाएगा, नूसा मैप। और इसके बारे में भाई काफ़ी लोगों ने आपको पहले से बता दिया होगा, ये भाई काफ़ी छोटा मैप है, ये लिविक से भी छोटा है। इसमें आपको 30 बंदे होंगे पूरे के पूरे, 30 पीपल होंगे इसके अंदर, पीपल क्या एनिमीज़ कह लो आप एक तरह से। इसी के साथ साथ आपको एक नया रॉयल पास भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस, जैसा मेरे को लगता है कि मे बी सेम रॉयल पास भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और या तो हो सकता है कि डिफरेंट रॉयल पास भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी। और गाइस, अभी तक की सबसे बढ़िया चीज़, आपको वाव मोड भी देखने को मिल जाएगा। भाई ये काफ़ी अमेजिंग मोड है और मैंने बहुत खेला इसको, भाई ये काफ़ी अच्छा मोड है। और वाव मोड के साथ साथ आपको पेलोड 3.0 भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको टैंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जो कि भाई काफ़ी अमेजिंग है। सो गाइज, फिलहाल तक तो यही कुछ चीज़ें पता है कि जो जो नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, बाकी तो भाई कल देखते हैं क्या क्या और नई चीज़ें मिलेंगी, जो कि भाई जिसकी लीक्स अभी नहीं आई हैं। और गाइज, इसी के साथ साथ एक और भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, जैसा कि आपको पता होगा कि BGMI के अंदर आपको ये सेम अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब BGMI के अंदर आपको 3.5 देखने को मिलेगा, और अभी यहाँ पर ग्लोबल वर्जन एंड KR वर्जन पर 3.6 वर्जन चल रहा है, तो मतलब एक वर्जन पीछे मिलेगा, बाकी भाई कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी मतलब काफ़ी अमेजिंग अपडेट रहने वाला है BGMI के अंदर भी। और स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ मिस कर गया था भाई, BGMI के अंदर आपको स्पाइडर मोन वाला जो मोड था ना, मतलब वेब वगैरह फेंक कर आप बिल्डिंग्स के ऊपर जा सकते थे, वो चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी नए अपडेट के अंदर BGMI में। सो गाइज, यही कुछ लीक्स थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। तो भाई आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस, चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।